मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बाबा को पता चल गया ना कि इन सब बातों के पीछे मेरा हाथ है, तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। तेरा इकरार कर दे इनके सामने, बोल तूने इनकी बेगम को मैसेज नहीं किए, फोन नहीं किए। ये सब मैंने इनकी बेटी सारा के कहने पर किया था। शासमा की नफरत में तुम इस हद तक आगे निकल गई हो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम शासमा को मेरी नजरों में गिराने की मंसूबाबंदी कर रही हो। अभी अभी अपना सामान पैक करो। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं मानता हूं कि सारा तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है, और मैं ये भी जानता हूं कि सारा ऐसी नहीं है। मेरी बच्ची बहुत सादा और मासूम है। जहीन ने मुझे बताया कि उसकी गैदरिंग ठीक नहीं है, उसके दोस्त उसको प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैंने कभी उसकी किसी बात को दिल पर नहीं लिया। फौरी तौर पर मुझे भी गुस्सा आ जाता है, जैसे आज उसने मुझे कहा कि मेरा किसी से, अल्लाह माफ करे, या अल्लाह माफी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती ऐसा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं आपसे भी माजरत चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि थोड़े दिनों के लिए उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देता हूँ। अपने उन दोस्तों से दूर रहेगी तो दिमाग खुद ही ठिकाने लग जाएगा। और जो आप बोल रहे थे कि उसे कनाडा भिजवा देंगे, वो तो वैसे ही गुस्से में कह दिया था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बच्ची सारी जिंदगी मेरी आंखों के सामने ही रहे। वैसे मैं भी इस हक में नहीं हूँ कि उसे दूर भेजा जाए। सारा चाहे लाख दफा मुझे बोले कि इस घर से दफा हो जाओ, लेकिन मैं आपको और अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। Thank you. दोनों में से रूमी कौन है? जी मैं। तुम्हारे वाली साहब आए तुम्हारी जमानत के लिए। परेशान मत होना, मैं सुबह होते ही तेरी भी जमानत का बंदोबस्त करता हूं। डैड, आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपको इतनी एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट? एम्बैरेसमेंट तो बहुत छोटा लफ्ज है। आज तुमने मेरी उम्र भर की इज्जत और नेकनामी को खाक में मिला दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाना चाहिए। मैं जानता हूँ डैड, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, दिल दुखा आपका, आपको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। लेकिन डैड मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे अंदाजा नहीं था इतनी छोटी सी बात पे मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। जो घटिया हरकत तुमने अपने इस आवारा दोस्त के साथ मिलकर की है वो छोटी बात है। एक शरीफ घराने की खातून को फोन पर हरासा करके ब्लैकमेल करना छोटी बात नहीं है। ये तो शुक्र करो कि मेरे यहां सोर्सेस निकल आए हैं और मैं तुम्हें पुलिस से छुड़वा कर ले जा रहा हूं। अगर चंद हफ्ते और यहां रहते ना, तब तुम्हें एहसास होता अपनी गलतियों का। चलो अब।
शरद ने मेरी जमानत करवा दी। मैं घर जा रहा हूँ, सुबह होते ही बली की जमानत करवा दूँ। और तुम अपसेट मत होना, सब ठीक हो जाएगा। सुबह बात कर। बहुत स्मार्ट और चलाक समझती थी तुम खुद को, और हुआ क्या तुम्हारे साथ? जो चाल तुमने मेरे लिए बिछाया था उसमें तो तुम खुद फंस के रह गई। वैसे तरस आता है मुझे तुम्हारे बेचार की पे। आप पता है एहसन तो तुम्हें कनाडा भिजवाने की बातें कर रहे थे, वो तो मैंने मना कर दिया। जानती हो क्यों? अब जरा हमदर्दी होने लगी है मुझे तुमसे। वैसे तुम कितनी बेवकूफ और पागल हो, भला अपने पाँव पे खुद ही कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या? वैसे क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? गेट आउट, और दोबारा मुझे इस कमरे में नजर मत आना। वैसे पूछोगी नहीं मुझसे कि एहसन को वली के बारे में पता कैसे चला? जल्दी आओ मैम जी, सारा का फोन। जल्दी जाओ, नजर रखना जरा। हेलो सारा, तुम्हारा काम समझो हो गया, लेकिन बदले में अब तुमने मुझे 4 लाख देने हैं, कल ले आना। तो 4 लाख की डील हुई है तुम्हारी सारा के साथ। इंप्रेसिव। अगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे ऑफर करूं तो मेरा काम करोगे? जी आप कौन? शाजमा हयात बात कर रही हूँ। एहसन हयात की बीवी और तुम्हारी दोस्त सारा की स्टेप मॉम। व्हाट? मेरी कोई डील नहीं हुई है आप? मेरा नाम सुन के डर गए तुम? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा? आप बताएं क्या कहना है आपको? मुझे बदनाम करने के लिए जो तुमने सारा के साथ प्लान बनाया है उसी के बारे में बात करनी है। उसका काम तो तुमने कर दिया, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 5 लाख दूंगी, वो भी एडवांस। जी मेरी ऑफर तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही होगी, वरना मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी सारे सबूत लेकर तुम्हारे खिलाफ। फिर जाहिर सी बात है FIR भी कटवाऊंगी। पक्के सबूत है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। अच्छा आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एहसन को खुद बोलूंगी कि वो तुम्हारा पता लगवाएं, तुम्हें अरेस्ट करवा के तुमसे सारी हकीकत उगलवाएं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तुम्हें उन्हें बताना होगा कि ये सब कुछ तुमने सारा के कहने पे किया है। मगर अगर मगर का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहती हूँ। एक रात ही तुम्हें पुलिस स्टेशन गुजारनी होगी, और सुबह होते ही मेरा एक फ्रेंड तुम्हारी जमानत करवा देगा, और तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे फ्लैट पहुंच जाएंगे। तुम इस हद तक गिर सकती हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या गलत किया है मैंने? हाँ, एक गेम तुमने खेली और दूसरी मैंने, हिसाब बराबर। मगर जीत किसकी हुई? सिर्फ शाजमा की, और आगे भी जीत सिर्फ शाजमा की ही होगी। आइंदा एहतियात करना, अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी साजिश खेली तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें जलील कर दूंगी मैं। किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। ऐसा करो अब तुम सो जाओ।
गुड नाइट। I'm shocked, सारा। भली कब और कैसे शाजमा के झांसे में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने मुझे मशवरा दिया था कि शाजमा को ट्रैप कर लो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मेरी बाबा के सामने कितनी इंसल्ट हुई है। और वो शाजमा, वो तो पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही है। बहुत गंदा खेल खेल गई है वो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वली चंद लाख रुपयों के लिए किस हद तक गिर सकता है। फिकर मत करो, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखेगा। अंकल से खुद आकर माफी मांगेगा और शाजमा का चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबा मुझसे बहुत गुस्सा है और वो मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं करेंगे। उनकी नजरों में अब सिर्फ शाजमा ही सच्ची है। I don't believe this यार, कितनी चलाक और मक्कार औरत है। मुझे तो हैरत हो रही है तुम उसको अब तक बर्दाश्त कैसे कर रही हो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी रूमी, मुझे नहीं रहना और इस घर में। वो बहुत खतरनाक औरत है और मैं उसकी साजिशों का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर क्या सोचा तुमने? शादी। बेला भी यही चाहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी करके इस औरत से अपनी जान छुड़वा लूं। ठीक कह रही हो, तुम्हारी शादी ही इस मसले का वाहिद हल है। मैं तो खुद तुमसे कई दिनों से बात करना चाह रहा था, अगर रूमी, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? हाँ सारा, मैं तुमसे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। शादी तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, मैं मॉम एंड डैड से हमारी शादी के लिए बात करूंगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदगी के हर कदम पे तुम मुझे अपने साथ लाओगी। नहीं बुखारी साहब, मैं कल कोई टाइम दे पाऊंगा। जी जी, बैक टू बैक मीटिंग। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सारा जी, यूनिवर्सिटी जा रही हो? हाँ जी। कुछ दिनों के लिए गैप ले लो। क्यों? इसलिए कि कुछ दिन अपने स्टूपिड दोस्तों से दूर रहोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जी बुखारी साहब। जी जी, तुम बाबा के साथ ऑफिस जाओ। जी ऑलमोस्ट मेरी बात हो गई है। आप एक काम कीजिए, आप वो सारी डिटेल मुझे बता दीजिए। अरे नहीं अम्मा, ऐसे उनको बिल्कुल भी शक नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मुझे बस मेरा काम कर लेने दें। कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। बड़ी चलाकी और होशियारी से मैंने उसके दोस्त को अपने साथ मिला लिया रिश्वत देकर। अरे नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए हैं और अभी उसने मजीद मेरे काम करने हैं। ये बस सारा की बच्ची को मैं ऐसा बदनाम करूंगी
कि पूरी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अम्मा मेरा तो दिल करता है मैं कोई ऐसी साजिश खेलूं कि ऐसन मजबूर हो जाए वली जैसे बेकार लड़के से इसकी शादी कर लूं। है तो मुश्किल, लेकिन आप मुझे भी जानती हैं, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसे चाल चलूंगी कि बाप बेटी से हमेशा के लिए बदगुमान हो जाएगा, आप बस देखिएगा। हाँ हाँ, आप मुझे बताइएगा, पैसों की जरूरत तो नहीं है, भिजवा दूंगी। अम्मा मेरा तो दिल करता है मैं कोई ऐसी साजिश खेलूं कि ऐसन मजबूर हो जाए वली जैसे बेकार लड़के से इसकी शादी करने में। May I come in, sir? Yes, yes. सर ये नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ कोटेशन मंगवाई थी, इन्हीं पर आपसे बात करनी। बैठो। मैं तुम्हें बताना भूल गया, आप सारा कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, सुबह डायरेक्ट ऑफिस ही आ जाना। सर वैसे तो ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो आप सारा मैम को माफ कर दीजिए। सर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, अगर बड़े बच्चों को माफ ना करें तो वो बागी हो जाते हैं। इस सूरत हाल में वो अपनों के बजाय गैरों पर भरोसा करने लगते हैं। ठीक, देखता हूं। सर मुझे दो कोटेशंस ठीक लगी, अगर आप भी गो थ्रू कर लें तो हम इन्हें ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम शाजमा से डिस्कस कर लो, क्योंकि शाजमा ने ही ये सारी कोटेशंस मंगवाई हैं। कि मीटिंग में तुम इनके साथ जाओ, अकाउंट्स के मामले तुम बेहतर तरीके से देख लेते हो। श्योर सर, वैसे मैम भी इस बारे में काफ़ी नॉलेज रखती हैं। इस एक हफ्ते में बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे, पब्लिक डीलिंग में तो माहिर हैं और अकाउंट्स के मामला तो इनसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। क्यों मैम? मैं गो नाउ सर। हाँ श्योर। बाबा को भी तुमने खुद से बदगुमान कर लिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी सारा तुमने। मुझे क्या पता था कि वो वली को अपने साथ मिला लेगी, हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है ये औरत। और तुम हद से ज्यादा बेवकूफ, इसी बात का फायदा उठा रही है वो, तुम हर बार उसे मौका दे देती हो एक नई साजिश रचाने का। अगर ऐसा ने पूछ लिया तो? अरे तो बाबा कह देना कि हार चोरी हो गया। एक काम करो, हार बेचते वक्त रसीद पर अपनी जगह सारा का नाम लिखवा देना। चले मैम। कहाँ? 2 बजे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, ऐसन साहब ने हुक्म दिया था कि आप भी मेरे साथ वहां जाएं। Excuse me? आप भी से क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसन ने तुम्हें मेरे साथ जाने को बोला होगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं। मीटिंग में जाना हम दोनों का ही जरूरी है, बात तो एक ही है, आप मेरे साथ चलें या मैं आपके साथ, आखिर हम दोनों इस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। एक ही बात कैसे हो सकती है? तुम इस कंपनी के मामूली से मुलाजिम और मैं एहसन हयात की बीवी, मेरी बराबरी करने का सोचना भी मत। कंपनी में आने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। आजकल मैं तुम्हें देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तुम।
कोशिश नहीं कर रहा, मैं हूं ओवर स्मार्ट, ध्यान रखिएगा। और एहसन साहब आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं ये तो मैं देख ही चुका हूं, दो कोटेशंस आपकी मुस्तरद कर चुके हैं। अब ये प्रोजेक्ट मेरे अंडर है, इसे मैं ही हैंडल करूंगा। और हाँ, कोई भी ऐसी वैसी डील मत कीजिएगा जिसका नुकसान बाद में कंपनी के बजाय आपको उठाना पड़े। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चले मैम, वी गेटिंग लेट। अब क्या करोगे तुम? कैसे यकीन दिलाओगे बाबा को कि ये सारा प्लान शाजमा का था? वो इतने बड़े गेम खेल के तुम्हारे साथ और तुम्हें पता तक ना चल सका? ये सब कुछ सोचने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। बाबा को भी तुमने खुद से बदगुमान कर लिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी सारा तुमने। मुझे क्या पता था कि वो बली को अपने साथ मिला लेगी? हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है ये औरत। और तुम हद से ज्यादा बेवकूफ, इसी बात का फायदा उठा रही है वो। तुम हर बार उसे मौका दे देती हो एक नई साजिश रचाने का। तुम अब ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना वरना बाबा और नाराज हो जाएंगे। बाबा तो बहुत सख्त नाराज है मुझसे, बात तक नहीं करते। और तुम्हें पता है उन्होंने मेरे बाहर जाने पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मैं क्या करूं बेटा? तुम अब शाजमा के खिलाफ कुछ नहीं करोगी, छोड़ दो उसे उसके हाल पर। मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ ना, मैं और सारे मिलके बाबा से बात करेंगे। तब तक तुम उस औरत से दूर रहना, समझी तुम? तुम जल्दी आ जाओ बेला, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि बाबा उस औरत के कहने पर किसी गलत जगह तुम्हारी शादी ना कर दें। मैं तुम्हें हजार बार समझा चुकी हूँ, अब फिर से कह रही हूँ, प्लीज अपने फ्यूचर के बारे में सोचो तुम। रूमी अच्छा लड़का है सारा, और सबसे बढ़कर ये कि वो तुम्हें चाहता है। अब तुम भी उसके बारे में सीरियसली सोचो। लेकिन मैंने तो कभी उसको उस नजर से देखा ही नहीं है। और जो कुछ रिसेंटली हुआ है, बाबा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वो तो मुझे उससे दोस्ती खत्म करने का कह रहे हैं और तुम शादी की बात कर रही हो। ये तो मुझ पर और सारिम पे छोड़ दो, हम लोग वापस आकर बाबा को मना लेंगे। फिलहाल तुम रूमी से बोलो कि अपने पेरेंट से बात करें, तुम्हारी शादी ही इन मसलों का हल है। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, सारिम आ गए हैं। ओके सारा उठ गई? जी साहब उठ गई है। उसे बुला कर लाओ, यूनिवर्सिटी लेट हुई है। जी साहब अभी बुलाती हूँ। चलो बस। आपने तो सारा को मना कर दिया था यूनिवर्सिटी जाने से। हाँ गुस्से में क्या गया था, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, पढ़ाई में हर जो गवर्नेंस का, बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उन्हें सख्त सजा दें। गलती तो आपकी नज़र में सिर्फ एक गलती थी, वैसे सही बात है। मुझे लगता है आप पर ना सहीन की बातों का असर होना शुरू हो गया है, इसीलिए तो आपने सारा को इतनी जल्दी माफ कर दिया। हैरत तो बस मुझे एक बात पर है, एक मामूली सा ड्राइवर आपके सर पर चढ़कर आपको आपके घर के मामला समझा रहा है, यकीनन उसी के मशवरे पर आप सारा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे रहे हैं। देखो उसने मुझे कोई मशवरा नहीं दिया, बस एक बात की थी, वो सही बात की थी, कुछ गलत नहीं कह रहा था। रात पर भेजा सख्ती उसको सरकश और पागी बना देती है। जहां तक बात सारा की है तो वो पहले से बहुत जिद्दी है, मैं उस पर सख्ती करके उसे मजीद नहीं बिगाड़ सकता।
यू सो मच जहीन। किस लिए? बाबा से मेरी यूनिवर्सिटी जाने की रिक्वेस्ट करने के लिए। तुमने उन्हें बोला और वो मान भी गए। इसमें थैंक यू करने की क्या बात है? आपने अब्बा की तनख्वाह बढ़ाने की बात की एहसन साहब से, मैंने आपके यूनिवर्सिटी जाने की। हिसाब के बड़े पक्के हो। वो तो मैं हूँ। बिजनेस की तरफ कभी तुम्हारा ध्यान नहीं गया? बिजनेस? सर सच पूछें तो हमेशा से ही मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे वालिद ने कुछ जायदाद भी छोड़ी थी मेरे लिए। दो दफ़ा मैंने प्रॉपर्टी सेल करके अपना काम करना स्टार्ट भी किया, लेकिन दोनों दफ़ा नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर जैसे मैंने हिम्मत ही हार दी। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता नहीं कि तुम कम हौसला होगे। एक्चुअली सर दोनों दफा नाकामियों में मेरे अपनों का हाथ था। मैं मायूस नहीं, लेकिन दिल बर्दाश्त सा हो गया था। लेकिन एक बात जो मेरे लिए भी हैरान कुन है वो ये कि आज भी दर हकीकत मैं अपना ही बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं, इंडिविजुअल करूंगा। छोटा ही सही लेकिन अपना। ये तो अच्छी बात है। और शादी के बारे में क्या इरादा है तुम्हारा? पहले सेटल हो जाऊं, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। अच्छा चलो, एक जॉब की मैं भी तुम्हें ऑफर करता हूँ। ऑपरेशन मैनेजर के लिए मैं तुम्हें कंसीडर कर सकता हूँ। सर आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन जॉब मुझे अपनी मेहनत और काबिलियत पर चाहिए, सिफारिश पर नहीं। तो ठीक है, कल तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सिलेक्शन बोर्ड से तुम्हारी मीटिंग करवा देता हूँ। तुम जैसे मेहनती और खुददार इंसान की मैं बहुत कदर करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एहसन साहब जैसे समझदार इंसान से ये तवक्को ना दें। शाजमा जैसी चालबाज और साजिशी औरत के जाल में कैसे आ गए वो? बेचारी सारा मुसलसल उस औरत की साजिशों का शिकार है। ऐसा क्या करूं मैं, कैसे बताऊं एहसन साहब को उस औरत की असलियत? क्या वो यकीन करेंगे मेरा? काश मैं शाजमा की जिंदगी बातें रिकॉर्ड कर लेता। काश। हेलो। अरे ना सलाम ना दुआ, जुमा जुमा 8 दिन क्या हुए नौकरी लगे हुए? जनाब तो अभी से इतने मगरूर हो गए हैं। सच्चो? किसका नंबर है ये और फोन क्यों किया मुझे? इतने रूड क्यों हो रहे हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं इस वक्त काम पर हूँ पर बहुत बिजी भी, इसलिए जो कहना है फटाफट कहो वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने पूरे खानदान और मोहल्ले में मिठाई बांटी है, बस हमें नहीं भेजी है। हालांकि रिश्ते में हम सबसे ज्यादा करीब है तुम लोगों के। हाँ आप भिजवा दूंगा बस। और तुम सब घर वालों को होटल में खाना भी तो खिलाने लेके जा रहे हो ना अपनी पहली तनख्वाह से? तो मैं कह रही थी कि तुम मुझे मत भूल जाना। पीर साहब के दरबार में मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए जाके मन्नत मानी थी। तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हें बताया ही होगा, उसी मन्नत की वजह से तुम्हें आज इतनी शानदार नौकरी मिली है। तुम दूसरों के लिए मन्नतें मांगने के बजाय अपने लिए कुछ कर लो। 2 बार ऐसे के एग्जाम में फेल हो चुकी, एक बार फिर ट्राई कर लो। अपने लिए खुद कुछ कर लो, पता नहीं क्या समझता है खुद को। बहाज अच्छा काबिल लड़का है, लेकिन आपको इतनी जल्दी किसी पे इत्तबार नहीं करना चाहिए। कल उसे फर्स्ट टाइम मिले और मिलते ही जॉब ऑफर कर दी। नहीं, मैंने सिर्फ ऑफर दी है बस, बाकी सिलेक्शन टीम पर डिपेंड करता है। उनके मेयार पर पूरा उतरेगा तो वो कंसीडर करेंगे इसे। ये तुम्हारा क्लास फेलो रहा है ना,
क्या जानती है उसके बारे में, इसके फैमिली के बारे में? मैं यही तो आपको बोल रही हूँ, मेरी वजह से आप उसे फेवर नहीं देंगे। मैं उसे पर्सनली नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ वो हमारे कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था और कुछ नहीं। अरे भाई, किसी भी कैंडिडेट में ये सारी क्वालिटियाँ मौजूद होती हैं तो उसे अच्छी जॉब ऑफर की जाती है। बाकी वो पर्सनल लाइफ में क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इससे मेरा क्या लेना देना। अब देखते हैं मंजूर साहब क्या कहते हैं। सुन रही है अपने लाडली बेटी की बातें? मौसूफ को इश्क हो गया है, शादी करनी है, अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है कि शादी की फिक्र हो गई है इसे। मास्टर्स तो कंप्लीट कर ही लिया मैंने, जॉब भी जल्दी मिल जाएगी। मास्टर्स करके एहसान जता रहे हो हम पे? ये डिग्रियां ही तुम्हारे काम आएंगी बरखुरदार। कौन है वो लड़की, नाम क्या है उसका? मैं सारा हयात से शादी करना चाहता हूं। क्या? सारा, वो एहसन हयात की बेटी? डैड प्लीज, डैड प्लीज, आप जल्द से जल्द प्रपोजल लेकर उसके घर चल जाए, वरना उसके बाबा उसका रिश्ता कहीं और तय करा देंगे। हरगिज नहीं, इतनी बिगड़ी हुई लड़की से हम तुम्हारी शादी कभी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों मॉम? बस, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अरे जिस लड़की की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मेरे बेटे ने पूरी रात थाने में गुजारी हो, कितनी एम्बैरेसमेंट हुई थी सबके सामने, तुम्हारे डैड को और मुझे, तुम्हें कुछ अंदाजा है इस बात का? मगर मुझे उसी से शादी करनी है, हर हालत में, हर कीमत पर। सारा कोई मामूली लड़की नहीं है डैड, एक से एक रिश्ता है उसके लिए। अगर उसने मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुना है तो ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे सारा जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसके बाप ने तुम्हें अपनी बीवी पर हैरेसमेंट करने के इल्जाम में थाने में डलवाया था। मैंने कुछ नहीं किया था डैड, वो वली ने किया था। और वली ने ये किसके कहने पे किया? तुम्हारे और सारा के। इंस्पेक्टर ने तुम्हारे डैड को यही बताया। आप लोग उसे एक वाकई की वजह से उसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? क्या कमी है उसमें? कमी सारा में नहीं है, उसकी तरबियत में। अरे जो लड़की अपनी सौतेली माँ के खिलाफ इतने खतरनाक मंसूबे बनाती हो, वो कल को इस घर में आके सास ससुर के साथ क्या नहीं कर सकती? बस हमने जो कहना था कह दिया, भूल जाओ उस लड़की को, पहले अपने करियर पर तवज्जो दो। डैड, ऐसा हयात की बेटी से शादी करूंगा, मेरा करियर भी खुद ब खुद बन जाएगा। उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों में खेलता है। मैं इनका बिजनेस ज्वाइन करूंगा तो मैं सातवें आसमान पर पहुंच जाऊंगा और ये सारे ख्वाब आसानी से पूरे कर सकूंगा डैड। अच्छा, तो ये प्लानिंग है तुम्हारी? तो क्या मतलब डैड, इसमें बुराई क्या है? अगर मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ तो आप लोगों को तो मुझे इनकरेज करना चाहिए। सारा मेरे लिए किसी लॉटरी टिकट से कम तो नहीं है। शट अप, मैंने तुम्हारी तालीम और तरबियत इसलिए नहीं की कि तुम लालच करो और शॉर्टकट इख्तियार करके बड़े आदमी बन जाओ। शर्म आ रही मुझे तुम्हारी सोच पर। आप लोगों ने अपना फैसला सुना लिया तो मेरा भी फैसला सुन ले। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सारा से करूंगा और किसी से नहीं, और आप दोनों को मेरी ये बात माननी पड़ेगी। बहुत भूख लग रही है मुझे। वहाज, तुम प्लीज इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कंपनी की तरफ से किसी भी दिन फोन आ सकता है तुम्हें। सिर्फ जाली डिग्री बनवा लेने से कुछ नहीं होता, इंसान के तौर तरीके उठने बैठने से पता चलता है वो कितना तमीजदार है और पढ़ा लिखा है। देख लेना शाजमा, एक दिन ये खुद भी फंसेगा और हमें भी मुसीबत में डालेगा। क्या कहना चाह रही हैं आप? अनपढ़ हूँ मैं, जाहिल हूँ, बड़े लोगों में उठने बैठने की तमीज नहीं मुझे। आज नहीं, छोड़ो इस बात को, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, एक सेकंड रुको, आप समझती क्या है मुझे? आज आपकी बेटी इतने बड़े आदमी की बीवी है, इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर है, उसकी रीजन मैं हूँ, मेरी वजह से, मेरी प्लानिंग की वजह से आप इतने पोश एरिया में रह रहे हैं। कभी इन्होंने इतने ऐड्स देखे भी हैं जिंदगी में? अरे सब जानती हूँ मैं, ये जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहे हो,
तुम्हें अपना भी मतलब है? अम्मी आप प्लीज यहाँ से जाएं, खाना खाने थे हमें। हाँ खिलाओ इसे ब्रास्ट और कबाब, मुस्टंडा कहीं का। तुम्हारी अम्मा कभी कभी बहुत गलत बात कर जाती हैं। हर बार बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं शाजमा। खत्म कर दो यार, हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? फाइनल डिसीजन तो मंजूर साहब को ही लेना है और उनको मैं संभाल लूंगा। इतना आसान काम नहीं है, मंजूर साहब बहुत अकलमंद इंसान है। अगर उन्होंने एहसन को जाके कुछ भी बता दिया तो हमारी सारी गेम उलट जाएगी, तुम्हें पता है? तुम तो कह रही थी कि उनकी और अकाउंट मैनेजर की खुदबुद की बातें तुमने सुन ली थी, तो फिर वो हमारे साथ गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? सिर्फ ब्लैकमेल करने से काम नहीं चलेगा, उनका मुंह बंद करवाने के लिए उनको रिश्वत देनी पड़ेगी, और कहां से मैं अरेंज करूंगी इतने पैसे? शाजमा मत किया करो इतनी छोटी छोटी बात, तुम पर सूट नहीं करती। अरे एहसन हयात जैसे इतने बड़े आदमी की बीवी हो तो कुछ लाखों का बंदोबस्त करना तो चुटकी का काम है तुम्हारे लिए। लाखों की सिर्फ बात नहीं है वहाज, 5 लाख तो सिर्फ उसकी सैलरी है, उसका मुंह बंद करवाने के लिए हमें कोई भारी रकम अरेंज करनी पड़ेगी। मुझे तो डर है अगर उन्होंने एहसन को जाके कुछ बता दिया फिर, और ऊपर से वो जहीन बहुत बड़ा जासूस है, मेरे हर एक्शन पे उसकी नजर रहती है, उसकी वजह से एहसन ने मेरी कोटेशन भी रिजेक्ट कर दी। एक दफा मुझे कंपनी में आने दो शाजमा, जहीन का भी बंदोबस्त करता हूँ। सबसे पहले मंसूर साहब को ट्रैक करने का तरीका तो बताओ, जहीन को भी देख लेंगे। सोचते हैं उस बारे में। कंपनी के अकाउंट से तो एक पैसा नहीं निकाल सकता मैं, अगर ऐसा जितनी भारी रकम मांगूंगी तो वो शक करेंगे। कितनी रकम का बंदोबस्त करना होगा? 2-2.5 करोड़ तो चाहिए होंगे हमें। 2-2.5 करोड़ शाजमा, एक काम करो अपना हीरो का हाल बेच दो। क्या 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 क्या, तुम इसको फिर उल्टी सीधी पटिया पढ़ाने लगे हो? बड़दार खबरदार जो तुमने इसे जेवर बेचने का मशवरा दिया। शाजमा तुम भी कान खोल के सुन लो, सोचना भी मत जेवर बेचने के बारे में। कल को एहसन पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? दे दूंगी मैं जवाब एहसन को, ये आपका मसला नहीं है, हमें कर लेने दे बात। हमें आपके मशवरों की जरूरत नहीं है, जाएं यहां से। अरे पागल हो गई, जादू कर दिया इस लड़के ने तेरे पर। छोड़ो तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हीरो का सेट बेचने के अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। देखो शाजमा, बड़े फायदे के लिए छोटा मोटा नुकसान तो झेलना पड़ेगा। अगर एहसन ने पूछ लिया तो? अरे तो बाबा कह देना कि हार चोरी हो गया। एक काम करो, हार बेचते वक्त रसीद पर अपनी जगह सारा का नाम लिखवा दो। अगर एहसन ने पूछा तो सारा इल्जाम उसकी बेटी पर डाल देना, काम खत्म। बना